संघ संघ दारा। जी हाँ, पिछले 43 साल से भारतीय राजनीति में कांग्रेस की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे 83 साल के प्रणब मुखर्जी के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के फैसले को लेकर सियासत का बाजार गर्मा गया है। देश दुनिया की निगाहें नागपुर की तरफ टिकी हुई हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के पन्नों में भटकती संघ की विचारधारा को लेकर धर्मनिरपेक्षता के हिमायतियों का एक तबका हमेशा से नाक भों सिकोड़ता रहा है। इसलिए जब कांग्रेसी परंपरा में पले बड़े नेहरू इंदिरा के मूल्यों और मान्यताओं की छाव में राजनीति सीखने वाले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संघ के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का न्योता कबूल किया तो हंगामा मच गया। प्रणव दा की खुद की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी से लेकर दिग्गज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और अहमद पटेल तक ने प्रणव दा के इस फैसले का खुलकर विरोध किया। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तो खत लिखकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से आरएसएस के कार्यक्रम में ना जाने की अपील की और कहा कि उनका ये कदम आरएसएस की विचारधारा को मजबूती देने का काम कर सकता है। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं जब कांग्रेस का कोई नेता आरएसएस के अंगने में शिरकत करने पहुंच रहा है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक इतिहास रहा है, उस इतिहास की एक कड़ी महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से भी जुड़ती है, जो खुद संघ के कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। हालांकि ये बात दीगर है कि 16 सितंबर 1947 को आरएसएस के दिल्ली प्रांत प्रचारक बसंत राव ओक के बुलावे पर एक शाखा में पहुंचे गांधी जी ने संघ के हिंदुत्व को खारिज कर दिया था। अब बारी प्रणब मुखर्जी की है। नागपुर में संघ के कार्यक्रम में वो बोलेंगे तो उनके सामने इतिहास की वो धरोहर भी होगी जिसको संजोकर उनकी पूरी राजनीति फली फूली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। तमाम असहमति और सियासी अटकलों के बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गुरुवार शाम आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने नागपुर स्थित मुख्यालय पहुंचे। अपना बहुप्रतीक्षित भाषण देने से पहले प्रणवदा आरएसएस के संपादक डॉ हेगड़ेवार की जन्मस्थली पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत का महान सपूत बताया। कांग्रेस की परंपरा में रचे बसे और लंबे समय तक भारतीय राजनीति में कांग्रेस की विचारधारा का प्रमुख चेहरा रहे प्रमुख दा न सिर्फ संघ के शिक्षा वर्ग समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और वहां उन्होंने ऐतिहासिक भाषण को भी संबोधित किया। जी हां, यही हमारा आज का विशेष संघ के दरबार में प्रणवता। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा, वरिष्ठ पत्रकार डॉ संतोष मानो, कृपा शंकर चौबे संघ के विचारक हैं, साथ ही कृष्ण गोपाल पाठक बीजेपी नेता और जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा, आखिर क्या आपत्ति है प्रणवदा अगर वहां कार्यक्रम में जाते हैं तो? आपके कई नेताओं ने कई तरह के सवाल खड़े किए। सवाल है वो राजनीति से ऊपर उठकर के व्यक्तित्व तो है। निश्चित तौर पर उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को पोषित किया है और आजीवन जहां तक पिछला उनका समय है वो गांधीवादी विचारधारा को पोषित करने में लगे रहे। लेकिन अगर वो आज आरएसएस के मुख्यालय पर पहुंचे हैं तो इसके लिए हम आरएसएस को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी विचारधारा को अपना मुख्य अतिथि बनाया। कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा को लेकर के उनके मन में कुछ सम्मान हुआ होगा जब भी आज प्रणब दा को उन्होंने आमंत्रित किया
और हमारे लिए खुशी की बात रिजवान जी ये है कि जब से ये प्रणब दा से बातचीत चल रही थी मुख्य अतिथित्व को स्वीकार करने के लिए, जब से बहुत बड़े परिवर्तन इस विचारधारा में देखने में आए हैं। जो लोग कहते थे कि हाँ हम हिंदू हैं, ईद नहीं मनाते हैं, वो लोग आज मस्जिद में जाकर के सर्वधर्म सम्मान की बात करने लगे हैं, वो आज रोजा अफ्तारी जैसे कार्यक्रम रखने लगे हैं। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है और निश्चित तौर पर यदि उन्होंने बुलाया है तो प्रणब दा गए हैं और इसके पहले भी लोग गए हैं, और आरएसएस ने हमारी विचारधारा को सम्मान भी दिया है, आरएसएस ने इंदिरा गांधी को दुर्गा भी कहा है। तो ये सब बातों के लिए यदि हमें आरएसएस के वहां प्रणब दा को जाना पड़ा तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं होना चाहिए। अगर कोई विचारधारा को हम समझाने की कोशिश करते, यदि वो हमारी विचारधारा को सम्मान देते हैं और मुख्य अतिथि के रूप में हमें विचार बुलाते हैं और हमारे विचारों को सुनना चाहते हैं तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। रिजवान जी, कई तरह के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? देखिए, कई बड़े नेताओं ने कई तरह के सवाल खड़े, निश्चित तौर पर यह था कि आरएसएस की विचारधारा हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती थी, लेकिन अगर आरएसएस के कार्यक्रम में जाकर के स्वयंसेवकों को संबोधित करके अपनी विचारधारा को बताने की कोशिश की तो उसमें मुझे लगता है कहीं से कोई गलत चीज नहीं है। अपनी विचारधारा को प्रसार के लिए हम किसी भी जगह जा सकते हैं। हम तो केजरीवाल को भी, ये प्रणब मुखर्जी साहब तो केजरीवाल को भी बुलाने के लिए तैयार हो गए थे। जब लोग उन्हें अराजक कहते थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बात करेंगे, आपको समय देंगे। तो मेरी बात यह कि अगर आरएसएस ने आमंत्रित किया है और अपनी विचारधारा उनके सामने रखने का प्रणब मुखर्जी का एक मौका मिला है तो निश्चित उन्हें जाना चाहिए। निश्चित तौर पर कई तरह के विरोधाभास होते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनकी बेटी ने भी कुछ कहा है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको कोई भी कुछ भी कह सकता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है रिजवान जी कि अगर प्रणब मुखर्जी जी जाके वहां राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं और देश की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते, हिंदुत्व की सही परिभाषा वहां प्रस्तुत करते हैं जाकर के, तो मुझे प्रसन्नता की बात होगी। बिल्कुल। क्या कहेंगे कृष्ण गोपाल पाठक? देखिए रिजवान भाई, मैं बड़े गौर से जितेंद्र भाई को सुन रहा हूँ। जितेंद्र भाई तो समझ गए जी, लेकिन वो आनंद शर्मा जी और उनके नेता अहमद पटेल जी जो सोनिया गांधी जी के राजनीतिक सचिव भी हैं जी, उनको कैसे समझाएंगे? वो तमाम कांग्रेस के देश के बड़े नेताओं को कैसे समझाएंगे जो आज इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाए कि नेशनल चैनल पर बैठकर डिबेट में भाग ले सकें? वो उन तमाम नेताओं को कैसे समझाएंगे जो जो जीवन भर कांग्रेस गरियाते रहे? आनंद भाई, हम तो समझे, मैं तो जितेंद्र भाई की यहाँ पर हिम्मत की देता हूं, तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी जी का कांग्रेस की विचारधारा से हटकर जो उनके नेताओं की आज विचार हैं यहां डिबेट में आने का साहस किया और प्रणब मुखर्जी जी का समर्थन किया कि वो इस डिबेट में गए हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आरएसएस को समझने में कांग्रेस लगातार गलती ही नहीं कर रही बल्कि एक उसकी रणनीतिक चाल थी, क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस का आरएसएस का विरोध कांग्रेस द्वारा बढ़ता गया तब भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी स्पीड से आगे बढ़ती गई, और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस जो आरएसएस की जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का जनक है, अपने तप से अपने समर्पण से भारतीय जनता पार्टी को सींचकर आगे बढ़ाता गया। कांग्रेस को ये लगता गया कि देश में मेरी विचारधारा से टक्कर लेने वाली, मुझे टक्कर देने वाली पार्टी उभर रही है, वैसे वैसे कांग्रेस ने आरएसएस का विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस का विरोध कोई तार्किक नहीं है, सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। मैं अभी इनकी बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था, अरे भैया यह देश सहिष्णु देश है, सहिष्णुता भरा हुआ देश है। इस देश के नागरिक वो हैं जिन्होंने बंटवारे के बाद भी, जब धर्म के नाम पर दोनों देशों का बंटवारा हो गया था, मुस्लिमों को अपनी अनुमति से इस देश में रहने की स्वतंत्रता प्रदान की, उनको बराबरी का सम्मान दिया, उनके लिए विशेष रियायतें दी, विशेष सहूलियतें दी। कांग्रेस तो इस देश को बरगलाने का काम लगातार करती रही है सिर्फ सत्ता में रहने के लिए। उस जमाने में जब कांग्रेस देश के लिए लड़ाई लड़ने की बात करती है तो मैं बताना चाहता हूं कि उस जमाने में कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा दल देश की लड़ाई में शामिल नहीं था। मेरे दादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, 1942 के उस अधिवेशन में नागपुर गए थे जब जिसमें महात्मा गांधी गए थे, लेकिन वो और मेरे ताऊ जी उस जमाने में कांग्रेस के बैनर के तरह आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये जो एक कांग्रेस का
जो दुराभाव रहा है भारतीय जनता पार्टी और संघ को कोसने का, यह तो मात्र उनका जो है देश की जनता को बरगलाने की कोशिश थी। मैं आपको रोक लेता हूँ, आप इतिहास पे चले गए बहुत पुराने, मैं वर्तमान की बात कर रहा था। जितेंद्र कुछ कहना चाहेंगे आप? रिजवान जी, कि आज यदि विचारधारा को सम्मान देने के लिए हमें, हमारी गांधीवादी विचारधारा को आरएसएस ने सम्मान देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, तो प्रणब दा को जाना चाहिए था आज हमारा आरएसएस। ये तो अपनी जगह है। कृष्ण गोपाल पाठक बहुत से सवाल उठा रहे थे कि एक ही कांग्रेस ही आंदोलन कर रही थी, बाकी तो किसी को मौका ही नहीं था, तो संघ वाले भी उसी के माध्यम से आंदोलन कर रहे थे। हाँ, तो ये तो अच्छा है ना, यदि कांग्रेस के आंदोलन को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आज तो जो लोग आंदोलनकारी नहीं थे आप उनको महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस की विचारधारा गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं समय समय पर, लेकिन ना जाने ने क्या होता है, फिर ये फिरका परस्ती की बातें करने लगते। आप ये देखिए आज ये फर्क, अभी ये बता रहे थे कि एहसान किया, मुसलमानों को रहने दिया है। हाँ, ये मैं बताऊं आपको कि आज हम ये चाहते कि आज सर्वधर्म संभव की बात आप करिए, आपको सर्वधर्म संभव की बात करना चाहिए। ये कौन सा विचार है कि मैं हिंदू हूँ ईद नहीं मनाता, इस हिंदुस्तान में सारे लोग मिलकर के सारे त्योहार मनाते, ये फर्क आया है जब से प्रणब मुखर्जी के संपर्क में आई आरएसएस, जब से ये फर्क आया है कि मस्जिद में जाते रोजगारी करते। तो हमारा भी यही कहना है, आज मेरा ये आज हमारा ये कहना है कि आज आप देश के संविधान को मानने लगे तो आपसे हमको कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन आप इस देश के संविधान को नहीं मानते, आप बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मानते, आप समानता को नहीं मानते, आज आपके संगठन में कोई महिला अध्यक्ष नहीं बन सकती, आज आपके संगठन में कोई दलित अध्यक्ष नहीं बन सकता, आज आपके संगठन में कोई ओबीसी अध्यक्ष नहीं बन सकता, ये सारी चीजें हैं जो इस देश के संविधान में, वहां अध्यक्ष तो बनता नहीं है ना, नहीं तो जो भी प्रमुख होता है। यदि आप समानता की बात करेंगे तो हमें आपसे क्या आपत्ति, यदि आप दलगत जातिगत समानता की बात करेंगे तो हमें क्या आपत्ति, लेकिन जब आप इन सब चीजों को नहीं मानते तो कांग्रेस का आपसे विरोध पहले भी था, कांग्रेस का विरोध आज भी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जरूरत पड़ेगी तो आपको समझाने के लिए, आपको समाज देश की मुख्य धारा मिलाने के लिए, आपको संविधान का सम्मान करने के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी जाएंगे और आपको समझाएंगे। बिल्कुल, कृपा शंकर चौबे क्या कहेंगे आप? रिजवान जी, पिछले 93 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को अनवरत रूप से कार्यरत कर रहा है। शाखाओं में कोई जाति धर्म पंथ नहीं देखा जाता है। आर्थिक बौद्धिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शाखाएं लगती हैं और हम काम करते हैं। जहां तक जाति की बात है तो स्वयं सेवक संघ की कोई जाति नहीं होती है। स्वयं सेवक सिर्फ और सिर्फ स्वयं सेवक होता है। हमारे किसी भी शाखा में, हमारे किसी भी संगठन में जाति के ऊपर, पंथ के ऊपर चर्चा नहीं होती है। सभी का स्वागत रहता है, पूरे समाज निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देते हैं और पिछले 93 वर्षों से लगातार इस काम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता आया है। इसके पहले भी अलग अलग विचारधाराओं के लोग स्वयं संगठन में से आते रहे हैं और हमसे वो भले इत्तफाक रखें या ना रखें अपनी बात रखते रहें। एक दूसरी बात, असहमति में सहमति और उसको साथ रहना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने हित के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक को अपने चश्मे से देखना प्रारंभ किया और समाज में और जनता के समक्ष अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की एक छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जो कि समय के साथ बदलता गया। और आज का युवा वर्ग अगर आप देखेंगे तो जिस उत्साह के साथ स्वयं सेवक संघ में जुड़ता है और जिस उत्साह के साथ वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, वो अपने आप में देखने योग्य। कृष्ण गोपाल पाठक की बात कह रहे थे कि जैसे जैसे संघ की आलोचना हुई वैसे वैसे बीजेपी ताकतवर होती गई, ये कौन सा फलसफा है? क्या क्या मतलब संघ और बीजेपी एक है? देखिए जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैंने रिजवान भाई ये नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि जैसे जैसे कांग्रेस को लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो संघ के तप और तपस्या से आगे बढ़ रही है तो आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे कांग्रेस को आरएसएस से परेशानी बढ़ती चली गई। नहीं, आपने कहा बीजेपी वैसे वैसे ताकतवर होती गई। संघ वैसे भी व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया का काम करता है, लेकिन ये बीजेपी को क्या संरक्षक क्यों नजर आता है हर जगह? और आजकल तो जो विचारक हैं, कई संघ विचारक के नाम पे कई लोग टीवी डिबेट में दिखते हैं और सरकार की ऐसी हिमायत करते नजर आते हैं कि वो लगता है कि कौन सा बीजेपी का बड़ा वाला प्रवक्ता है। नहीं, देखिए स्वयं सेवक जो भी हैं एक प्रक्रिया के बाद वो समाज हित में अपना योगदान देने के लिए रहते हैं। अब उनमें से कुछ लोग, अब मैं ये नहीं कह सकते क्योंकि आज स्वयं प्रधानमंत्री भी स्वयं सेवक रहे हैं, तो
आज के समय पे जो भी स्वयं सेवक है एक बार उसका निर्माण होने के बाद वो राजनीति में आ सकते हैं या किसी समाज की और विचारधारा में भी अपना योगदान देते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ समाज और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में काम करता है। बिल्कुल, कोई पंथ, कोई समुदाय या कोई जातिगत बातें हमारी शाखाओं में ना होती हैं। हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, वंदे मातरम राष्ट्र की बात करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो इसमें राजनीति कहीं से नहीं आती है। मैं टोकना चाहूंगा, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का भी योगदान है। मैं रोकता हूं, आपको रोक रहा हूं जितेंद्र। किश हमारे साथ, किश मोहन झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज उन्होंने इस पर एक लेख भी लिखा है। किश मोहन झा, आप कैसे देखते हैं कई विचारधाराओं का इस तरह का संगम, मंच साझा करना, उसे आप कैसे देखते हैं और इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया है? देखिए ऐसा है रिजवान भाई, आज हर विषय पे राजनीति होने लगी है। यदि आप देखें कि जो आज जो हेडगेवार जी हैं, जो आरएसएस के संस्थापक हैं, वो खुद कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे हैं। यदि 1916 से लेकर 1925 तक की जो है उनकी भूमिका कांग्रेस में महत्वपूर्ण रही है। कई ऐसे वैचारिक मतभेद हुए जिसके कारण उन्होंने ये तय किया था, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो संतोष जी कह रहे थे कि उन्होंने तय किया था कि 100 वर्षों में वो ऐसा बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे जो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से बड़ा होगा। तो आज देखने को वास्तव में मिल रहा है कि 2025 से करीब जा रहे हैं तो एक आरएसएस देश के अंदर और विश्व के अंदर पे एक बड़ी स्थिति बनती जा रही है। अच्छा, आप शुरू से अध्ययन करिए तो देखिए कि जो 1963 की बात करें, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस में विशेष परेड में बुलाया संघ को, फिर 1965 की बात करें जब चीन युद्ध हुआ, उसके बाद जो सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी तत्कालीन सरसंघचालक जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बुलाया। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब संघ के उसमें प्रबोधन में विशिष्ट व्यक्ति गए, तो ये कोई आज एक नई चीज़ नहीं। और दूसरी बात, प्रणब मुखर्जी जी जो हैं, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी उसी समय उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि अब एक राष्ट्र के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित किया और एक राष्ट्र के लिए हैं वो। तो उनका जाना और उसमें तरह तरह के सवाल उठाना, निश्चित रूप से राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं, यदि हम सामान्य क्रम में देखते हैं तो कुछ चीज़ देखने को मिलती है। यदि हम राजनीतिक चश्मे से उस चीज़ को देखते हैं तो उसके बहुत सारे संकेत देखने को मिल सकते हैं, उसे बहुत सारी बातें उसके पीछे निकलती हैं। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वहाँ क्या बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है। तो मेरे नज़रिए से आज संघ के कार्यक्रम में जाना, यहाँ जो आपत्तियाँ उठाई जा रही हैं कश्मीर में, वो कांग्रेस और बीजेपी की आपत्तियाँ नहीं हैं, यहाँ आपत्तियाँ संघ की विचारधारा और गांधीवाद की को लेकर है। प्रणब मुखर्जी को ये कहा जाता है वो गांधीवादी नेता है, उस विचारधारा के पोषक हैं और संघ पर वो व्यक्तिगत रूप से कई तरह के सवाल भी खड़े करते रहे हैं। इस तरह से मंच साझा करने को उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अब देश के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कभी ये नहीं कहेंगे कि वो संघ की विचारधारा से प्रेरित नहीं है, वो तो कहेंगे वो स्वयं सेवक हैं। उसी तरह से प्रणब मुखर्जी गांधीवादी हैं, सवाल यहाँ इन बातों का है। लेकिन एक बात ये है कि एक स्तर पे जाने के बाद रिजवान भाई, जब आप टॉप पे चले जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं, व्यक्ति विशेष हो जाता है। ऐसी स्थितियों में आप ये कहना, अच्छा जहाँ तक गांधीवादी विचारधारा आप कहें कि केशव हेडगेवार जी जो थे वो तो खुद गांधी जी के विरोधी थे, गांधी जी से मतभेद हो गया था, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने आरएसएस का गठन किया और एक नए ढंग से पूरे देश में उन्होंने आंदोलन को खड़ा किया। तो आप ये कहें कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी भावनाएं या उनका वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति वो रहेगा, तो मेरे को नहीं लगता इस बात को कि ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि ऐसा आप हम सब जानते हैं कि आरएसएस एक वो संस्थान है जो समाज सेवा में काम करता है। अभी मैं सुन रहा था गोपाल जी कह रहे थे, जीतन जी कह रहे थे, दोनों अपने अपने तर्क रखते थे निश्चित रूप से। लेकिन आप देखिए कि केरल में कम्युनिस्टों को भी सपोर्ट आरएसएस ने किया, कांग्रेस को कई बार सपोर्ट आरएसएस ने किया। तो ये कहीं आज भी जो है आरएसएस ये नहीं कहता कि हमारा पूर्ण रूप से भाजपा जो है हमारा संगठन है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा और कांग्रेस का इसमें बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है आज की स्थिति। चलिए डॉक्टर संतोष मानो, आप तो नागपुर मुख्यालय पर भी, आपने वहाँ नागपुर में काम किया, मुख्यालय भी आप आते जाते रहे लंबे समय तक, और संघ को भी आपने नज़दीक से समझा है, बाकी सारी चीज़ें हैं, विचारधारा को लेकर एक द्वंद्व सा है पिछले कई दिनों से देश में, कोई कहता है जाना चाहिए, कोई कहता है नहीं जाना चाहिए, कोई कहता है कि जाए अपनी बात कहें, फिर कोई उनकी बेटी ने तो यहाँ तक कहा कि वो आगे चल के उन्होंने कहा क्या था ये मायने नहीं रखेगा,
वो वहां गए थे, उनकी एक तस्वीर मायने रखेगी। जी, मैं नागपुर में रहा हूँ 13 साल, और एक पत्रकार की हैसियत से मेरा संघ मुख्यालय रेशम बाग और महल है एक जगह, दोनों जगह उनके कार्यालय हैं, वहाँ आना जाना रहा है। और चूंकि मेरा बिट कार्यक्षेत्र ही रहा है संघ और बीजेपी जब मैं नागपुर में था, तो मैंने नज़दीक से देखा इस संगठन को, काफ़ी नज़दीक से देखा, तो मुझे इनकी कार्यप्रणाली थोड़ी समझती है। उनके यहाँ OTC होता है, OTC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, उसको हिंदी में संघ प्रशिक्षण वर्ग कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग कैंप। तो जो लोग तृतीय वर्ष कर लेते हैं उनको माना जाता है कि ये संघ की विचारधारा को, उसके आचार विहार को, कार्यप्रणाली को पूरी तरह समझ गए हैं, और उसमें से ही अधिकतर प्रचारक निकलते हैं, जिसको आप कहते हैं पूर्णकालिक प्रचारक निकलते हैं। तो उसका ये तीसरा वर्ष का कैंप है, जो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर चुके हैं वो थर्ड ईयर के एक महीने का होता है वो ट्रेनिंग हुए हैं, और उस पर एक समापन दिन के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें किसी विशिष्ट व्यक्तित्व को बुलाया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, संघ की परंपरा है कि दो दिन खासकर, एक जब दशहरे के अवसर पर उनका वार्षिक कार्यक्रम होता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है उस दिन, और जब ये थर्ड ईयर OTC का समापन होता है उस दिन, ये लोग अपने संघ से अलग व्यक्तित्व को, एक बड़े व्यक्ति को बुलाते रहे हैं। तो उसी क्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बुलाया गया है, और संघ का जहाँ तक सवाल है, संघ के कार्यक्रम में तो महात्मा गांधी भी गए हैं, और अपने महान समाजवादी विचारक नेता जयप्रकाश नारायण भी गए हैं। तो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, और मुझे लगता है कि आप किसी की विचारधारा को माने ना माने, उससे प्रेम करें नफरत करें, ये अलग बात है, लेकिन मुझे या किसी को भी एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान तो जरूर करना चाहिए। ये दुनिया के तमाम विचारक कहते हैं कि आप भले उससे उसको ना माने, उससे आप नफरत करें, लेकिन उसकी अपनी विचारधारा है, उसका सम्मान करें। संघ पर यही आरोप लगता रहा है कि वो दूसरी विचारधाराओं के प्रति उतना सहिष्णु नहीं है, ऐसा। तो मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि प्रणव दा वहां जा रहे हैं, प्रणव मुखर्जी वहां जा रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रणव दा वहां बोलते क्या है इस पर विचार हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा, क्यों कहा, कहना चाहिए था नहीं कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि अगर संघ के नेता प्रणब मुखर्जी के पास जा रहे हैं कि हमारे मुख्यालय में एक कार्यक्रम है, आप उसमें आइए, तो उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना कहीं से गलत नहीं है। इतनी दरियादिली तो देश के पूर्व राष्ट्रपति को दिखानी ही चाहिए कि वो विरोधी विचारधारा के कार्यक्रम में भी जाए, और मुझे लगता है कि इससे प्रणव दा का कद बढ़ता है, घटता नहीं है। संघ की तो यह कार्यप्रणाली है कि विशेष अवसरों पर बाहर के लोगों को बुलाते हैं, ये उनका कार्यक्रम है, उनकी कार्यप्रणाली है, लेकिन प्रणव दा का मुझे लगता है कि इससे कद बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। कि भाई मैं गांधीवादी हूं, आप संघवादी हैं, RSSवादी हैं, और आपने मुझे बुलाया, मैं जा रहा हूं, तो इस पर सवाल क्यों उठना चाहिए? जो लोग सवाल उठा रहे हैं या जो लोग उनको मना कर रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि वो सही काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि बात इस पर होनी चाहिए कि वे उस सभा में क्या कहते हैं, उसके कहने पर तो बातचीत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई जाने भी सवाल खड़ा कर रहा है तो ये सवाल ही गलत है। हालांकि उनकी सुपुत्री कह रही है कि उनको वहां नहीं जाना चाहिए था, वे वहां क्या कहेंगे इस पर तो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन उस तस्वीर को भुनाया जाएगा, बाद में बताया जाएगा, यह भी सही है। जैसा महात्मा गांधी कहते हैं, आप भी कर रहे हैं, लोग तो अक्सर कहते ही हैं कि हमारे कार्यक्रम में तो महात्मा गांधी आए, डॉक्टर जाकिर हुसैन आए, पंडित नेहरू ने हमको बुलाया, कार्यक्रम जी। तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्यों बुलाया, क्या कहा, किसने क्या कहा, कैसे कहा, विचारधारा का एक्सेप्टेंस बढ़ता है। मुझे लगता है कि इसी को लेकर विरोध हो रहा है कि अगर आपके व्यक्तित्व के समान लोग वहां जाएंगे तो उसकी विचारधारा को फैलाने में उनको मदद मिलेगी, जो शायद वह चाहते भी हैं बाहर के लोगों को बुलाकर। बिल्कुल, क्या कहेंगे कृपाशंकर चौबे? ये एक 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 कुछ लोगों ने असहमति जताई, उन्होंने कहा कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, या कुछ लोगों ने कहा कि वो वहां जाएंगे तो वो RSS अपने मकसद में सफल हो जाएगा, वो वहां क्या कहते हैं ये चर्चा में नहीं आएगा, चर्चा में तो वो वहां गए यही होगा। और इस पर जब कुछ लोगों ने असहमति जताई तो संघ की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने उन लोगों को एक तरह से आड़े हाथ लिया। भारत हिंदुओं के लिए वो संगठन नहीं है, पूरे भारतवर्ष के लिए वो संगठन है,
और भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति भारत पुत्र है। अगर ये बात बिल्कुल ऐसे ही सीधी सीधी लोगों को तक चली जाए और ऐसा ही सीधा सीधा सब कुछ होता रहे तो शायद इस पर कोई चर्चा ही ना हो, कोई विवाद ही ना खड़ा हो। कुछ कह रहे थे आप कृपा शंकर जो? कि हम किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी पंथ की बात नहीं करते हैं, पूरे समाज और पूरे राष्ट्र की बात करते हैं। पिछले कुछ सालों में अपने राजनैतिक फायदे के लिए कुछ पार्टियों ने जिस तरह से संघ को समाज के सामने रखा है वो चर्चा का विषय है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी एक बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ रहे हैं, उनका आना संघ के कार्यक्रम में कोई बड़ी बात नहीं है, और संघ को अपना कद बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं है। स्वयं सेवक संघ से परम पूजनीय तक बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में स्वयं सेवक का इतना निर्माण होता है, स्वयं सेवक की इतनी अच्छा प्रशिक्षण होता है कि वो स्वयं में इस तरह से होता है कि वो... मेरा आपसे एक सवाल जो मेरा सवाल था कि फिर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया, अगर कुछ लोगों ने असहमति जताई थी तो एक बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया आई थी उनके खिलाफ, वो ऐसा क्यों? नहीं, ये तो एक सबके विचार है अपने। नहीं, ऐसी कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है, बल्कि उन राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति के आने को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने और किसी पार्टियों ने ज़्यादा हाय तौबा मचाया है। आरएसएस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक प्रश्न और था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मातृशक्ति की भागीदारी नहीं है। देखिए, भारत को हम भारत माता बोलते हैं, मातृशक्ति के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयं सेविका संघ, दुर्गा वाहिनी जैसी अनुसांगिक संगठन जो काम कर रहे हैं उनको आगे समाज में कब ले आना है, कब लाना है, ये संगठन तय करेगा, और जब संगठन आगे लाएगा तो सबको पता चल जाएगा। बौद्धिक में आज भी हमारे पास मातृशक्ति का भरपूर और बहुत प्रचुर मात्रा में बौद्धिक में हमको मातृशक्ति का प्राप्त होता है। चलिए जी, कृष्णगोपाल आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ और कहना चाहता था वो परम पूजनीय जी ने अभी अपने भाषण की, हमने जो उनके भाषण की 5-7 लाइनें सुनी हैं जी, उसमें अपने आप समाहित हो गया है जी। वास्तव में वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है, वास्तव में वही भारतीय विचारधारा है, वास्तव में वही सहिष्णुता की विचारधारा है, और उस सहिष्णुता की विचारधारा को जिस तरीके से संघ ने पुष्पित पल्लवित किया है, आज आप द्विराष्ट्र सिद्धांतों से वह सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई आँच उठाता है, उंगली उठाता है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब बंटवारा हुआ था, आप पाकिस्तान को देख लीजिए और हिंदुस्तान को देख लीजिए, कांग्रेस ने तो हिंदुत्व को, हिंदू संगठनों को, और इस तरीके से जो देश के समर्थन में अभी अभी, अभी 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 प्रमुख कह रहे थे, आप कह रहे थे आप पूरी तरह से सहमत हैं, फिर आप कांग्रेस और फिर हिंदू, देखिए कांग्रेस, फिर आप अलग होने लगे। देखिए रिजवान भाई, हमारी विचारधारा शुरू से यही कह रहे हैं, भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति किसी हिंदुओं का संगठन नहीं है। मैं भी वही बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। कांग्रेस ने तो इस विचारधारा को, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उसको तरह तरह के नाम देकर अपमानित करने का काम किया है अपनी वोटों की राजनीति की खातिर। आज देश में जो स्वरूप हम देखने को जा रहे हैं, आज जो परम पूजनीय जी ने अपने भाषण में दिखाया है, वही संघ की विचारधारा है, वही हिंदुत्व की विचारधारा है, वही भारत की विचारधारा है। कांग्रेस ने इस विचारधारा को जो सदियों से, हजारों सालों से हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस भावना को तोड़ने का काम किया है, लगातार समाज को बांटने का काम किया है कांग्रेस ने, बदनाम करने का काम किया है, थोड़ा सा बदनाम करने की राजनीति से। कुछ पूछ लूं आप कहें तो, जितेंद्र मिश्रा क्या कहेंगे आप? देखिए रिजवान जी, अभी संघ प्रमुख का भाषण में सुन रहा था जी, उन्होंने विविधता में एकता की बात की जी। हमारा सवाल यहीं से शुरू होता है कि विविधता में एकता की बात आप करते हो, लेकिन आप जब धरातल पे बात करते हो तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। आपकी करनी और कथनी में यही तो अंतर दिखाई देता है। आप चाहे प्रणब मुखर्जी जी के लिए, अभी आपने सुना क्या बोला उन्होंने कि प्रणब, मेरी बात मैंने पहले ही ये बोला था उनके भाषण से पहले, कि प्रणब जी की बात को यदि वो स्वीकार करते, उसको सम्मान देते, मुख्य अतिथि बनाते, तो हमारे लिए गौरव की बात। अभी संघ प्रमुख ने कहा कि प्रणब जी आए हैं और वो उनका पाठ हमको सुनाएंगे, समझाएंगे, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप गांधी को बुलाते हो और गांधी की
विचारधारा से सहमत नहीं होते हो, आप गांधी के मुख्य अतिथि बनाते हो और गोडसे के साथ खड़े हो जाते हो। सवाल यहाँ उठते, बहुत बढ़िया विचारधारा की बात संघ प्रमुख कर रहे थे, लेकिन जब हम हकीकत में देखते हैं, धरातल में देखते हैं, रिजवान जी कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सुधार की ज़रूरत है, और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। कि आज आप ये देखिए कि गोडसे वाली बात आपके सामने आई, महिलाओं वाली बात अभी भी मैं समझ नहीं सका हूँ। आदरणीय ने मुझे समझाने की कोशिश, वो कह रहे हैं जब अवसर आएगा तो आगे किया जाएगा। नहीं, लेकिन अब आएगा, 100 साल के लगभग आपको हो गया आज महिला को प्रमुख बनाने का। कह रहे हैं बौद्धिक और वैचारिक उस वर्ग में है, नहीं ठीक है ना, लेकिन प्रमुख क्यों नहीं बन सकती महिला, सवाल ये खड़ा होता। दलित वर्ग का व्यक्ति प्रमुख क्यों नहीं बन सकता, सवाल ये खड़ा होता। एक चीज, आप अम्बेडकर को बुलाते हैं अपने सम्मेलन में, आप उनको सम्मानित करते हैं, और लेकिन आपकी विचारधारा के लोग उन्हें वार्ड के संबोधित करते हैं। तो ये चीजें है ना, दूतर्फा नहीं चलेगा। जो आप बात करेंगे आपके आचरण में वो दिखना चाहिए, लेकिन कहीं भी ये चीज नहीं प्रमाणित होती। आपकी बातें बहुत अच्छी होती है। अभी आपने कहा कि हम सब धर्मों की बात करते हैं, लेकिन आज देश में आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं, उन्हें मालूम है एक विशेष धर्म की बात आप करते हो। तो मेरा ये कहना है कि इन चीजों में सुधार लाया जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त में आपसे चाहूंगा, आपसे मैं पहले पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि इन्होंने बहुत ढेर सारी बातें कही, बहुत संक्षिप्त में इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहिए। नहीं, देखिए इस पर ऐसे कोई खास प्रतिक्रिया देने की बात नहीं है जी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कार्यकर स्वयं सेवक से लेकर के परम पूजनीय तक बनने की जो प्रक्रिया है, वो अगर जानना है तो आप हमारे संगठन को समझिए, आप शाखा में आइए और समझिए, उसके बाद आप कोई प्रतिक्रिया उसके ऊपर दीजिए। बाहर बैठ के आप राष्ट्रीय स्वयं संघ के बारे में कि उसमें एक महिला कोई क्यों नहीं बनती है, या क्योंकि हम किसी जाति की बात ही नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आप संगठन के अंदर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं सेवक हैं। आप बाहर से बैठ के आरोप संघ पर लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। चलिए कृष्ण जी, अभी आपने सुना संघ प्रमुख ने भी कुछ कहा, और इसके अलावा बाकी लोगों के विचार भी, कई विचार विभिन्नता रहती है, यही हमारी एकता में अनेकता भी है। देखिए रिजवान भाई, मेरे को तो ये लगता है कि जब इस प्रकार की डिबेट हो तो इसमें राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट होना भी चाहिए, क्योंकि ये इनकी एक आदत पड़ गई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये हर चीज़ों में राजनीति घुसड़ते हैं। पहली बात, इनको बड़ा हृदय करना पड़ेगा, और रही बात जिन जो प्रवक्ता बैठे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के, क्योंकि इनके सिरमौर बैठे हुए हैं, चाहे वो एक तरफ चाहे वो पाठक जी हों, संघ को रिप्रेजेंट करने वाले मनमोहन भागवत जी बैठे हैं या कृपा शंकर जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जितेंद्र जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके प्रणव मुखर्जी जी वहाँ पहुँचे हैं। तो मेरे को लगता है हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। पहली बात तो ये, क्योंकि आप इस बात को देखिए कितने क्लियर शब्दों में संतोष मानव जी ने जो बात कही, और वही बात हमने सुना कि सरसंचालक जी ने कहा। आज ये विशेष इसलिए हो गया है क्योंकि प्रणव मुखर्जी जी यहाँ पे आए, और ये उनकी परंपरा है किसी न किसी विशिष्ट व्यक्ति को बुलाना। अच्छा, आप देखिए, यदि आज नहीं आते हो तो हम यहीं बैठ करके चर्चा करते हैं कि संघ के बुलावे को खारिज किया राष्ट्रपति ने, पूर्व राष्ट्रपति ने, पता नहीं चलता। पता ही नहीं चलता कि उन्होंने खारिज किया कि नहीं किया। नहीं तो इस वो जा रहे हैं, इसलिए चर्चा में। ये देखिए कि ये मान लीजिए गए हैं, अच्छा, कोई आरएसएस कोई ऐसा छोटा मोटा संगठन तो है नहीं। देश के अंदर और विदेशों में जब विविधताएं आई हैं तो संघ खड़ा रहा है। यानी मैंने पत्रकारिता के नजरिए से भी संघ को बहुत करीब से देखा है, कांग्रेस को बहुत करीब से देखा है, और भाजपा को बहुत करीब से देखा है। तो मेरा ये मानना है जब ऐसे जब मुद्दे हों उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और हम जब बात करें किसी भी बात की तो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि संघ को इतनी सरलता से बात कर पाना नहीं। इवन संघ ही जो होते हैं, जो इवन कृपा शंकर जी भी जो हैं, तो इनको बहुत सारे पार्ट समझने पड़ेंगे संघ में, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको बहुत लंबा अध्ययन करना पड़ेगा। तो इतनी अब जब अंदर वाले ही नहीं समझ पाते तो बाहर वाला बेचारा संघ को समझना इतना सरल नहीं, इसीलिए तो वो एक रहस्य की दुनिया में गोते लगाता रहता है। मैं आपको रोकूंगा इसलिए कृष्ण गोपाल पाठक को कहीं जाना भी है। संतोष मानव, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, फिर इस कार्यक्रम को सुना। मैं थोड़ी सी बात दोहराऊंगा जो मैंने पिछले दोहराइए मत साहब, आगे बढ़ाइए। कि प्रणव मुखर्जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने वहां जाकर जी विशाल हृदय का परिचय दिया है कि हम किसी विचारधारा से सहमत हो न हो, लेकिन अगर निमंत्रण है प्रेम पूर्वक तो हमें जाना चाहिए। विचारधारा अलग चीज है, यही तो संघ ने किया है। लेकिन एक दूसरा सवाल भी है कि अगर अहमद पटेल, सी के जाफर शरीफ, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, अगर ये सवाल उठा रहे हैं, समिष्ठा मुखर्जी स्वयं तो बहुत याद रखना कह रही हैं कि वहां जाकर नहीं जाना चाहिए, आप क्यों जा रहे हैं, आप जो जा रहे हैं आपके साथ आपकी तस्वीर से बहुत कुछ लिख के
चिपका दिया जाएगा। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो मुझे लगता है कि सवाल नाहक नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि संघ की विचारधारा को कहीं ना कहीं फैलाने में, बड़ा रूप देने में इस तरह के व्यक्तित्व जब वहां जाते हैं तो एक 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 आधार मिलता है कि देखो हमारे यहाँ तो प्रणब मुखर्जी भी आए, महात्मा गांधी भी आते हैं, जयप्रकाश नारायण भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी रणनीति हो सकती है कि इस तरह के बड़े व्यक्तित्व को बुलाओ, अपने हम उनको भाषण देने का मौका दो, इससे उनकी विचारधारा को बड़ा फलक, बड़ा आधार और फैलाने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि इसी कारण से विरोध के स्वर उठे कि आप वहां ना जाइए, आपका जाना वहां ठीक न ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, जैसा कि संघ प्रमुख अभी कह रहे थे, मैंने उनके बहुत भाषण सुने, कई कई कार्यक्रमों को मैंने कवर भी किया, बहुत आकर्षित करते हैं उनकी ये बातें, खास तौर से जब वो इस तरह के वर्ग में, ये जब बौद्धिक वर्ग है जिस पर वो अंतिम जी इसकी बात आप कर रहे थे, जब वो ऐसे कार्यक्रमों में होते हैं, जब मुख्य अतिथि कहीं और से भी बुलाया जाता है और अन्य भी कार्यक्रमों में उनके वो जो भी कुछ कहते हैं वो बहुत आकर्षित करता है। और ये लंबे समय, लेकिन कई तरह की चीज़ें छन छन कर हम मीडिया वाले न जाने कहाँ से बहुत ढेर सारी चीज़ें लाते हैं, बताते हैं वहाँ अंदर, ये भी बात हुई हुई, ये इसकी भी अलग तरह की चर्चाएं होती हैं। महात्मा गांधी गए थे, महात्मा गांधी को बार बार हमारे सब लोगों ने कोट किया है, कुछ लाइनें एक लेख में मैंने उनकी अभी ढूंढी है, वो मैं बताता हूँ। और जो उन्होंने कहा है, जो अपेक्षा की है संघ से, उन्होंने कहा कि भाषण में जो संघ के विषय में कहा वो इस प्रकार है, संघ एक सुसंगठित और अनुशासित संस्था है, उसकी शक्ति भारत के हित में या उसके खिलाफ प्रयोग की जा सकती है। संघ के खिलाफ जो आरोप लगाए जाते हैं उनमें कोई सच्चाई है या नहीं, यह संघ का काम है कि वह अपने सुसंगत कामों से उन आरोपों को झूठा साबित कर दे। ये महात्मा गांधी ने संघ से तब अपेक्षा की थी जब वो वहाँ गए थे। और बिल्कुल सही है, किसी भी संगठन में काम करने वाले लोगों से ही उसके बारे में धारणाएं बनाई जा सकती हैं और ये उन्हीं के हाथ में है कि वो धारणा किस तरह की बनाने में वो काम करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आप सबने समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही है कि वहाँ प्रणब मुखर्जी क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, उसकी क्या क्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या संदेश देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और किन्हीं भी विचारधाराओं को आपस में संवाद करना चाहिए, इसलिए कि कोई भी विचारधारा सिरे से खारिज नहीं की जा सकती या कोई भी विचारधारा पूरी तरह से अंगीकार भी नहीं की जा सकती। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम मिलजुल कर विमर्श करें और एक अच्छे मसौदे के साथ देश को आगे बढ़ाएं, और देश की एकता और अखंडता में इसकी प्रगति है और हमारा सम्मान भी। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।